हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे देसी किचन राइस इडली इंस्टेंट मिक्स पैकेट से। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और एकदम फूली फूली इडली। आप इसे गर्मा गर्म सांभर और पीनट कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें। सभी को ये इडली बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और ये टेस्टी इडली बनकर तैयार है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेंगे देसी किचन राइस इडली इंस्टेंट मिक्स का ये पैकेट है। ये 500 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस है 125 रुपीज है। पैकेट को कट कर लिया है। किसी कप या गिलास से एक भाग यहाँ पर हम राइस इडली का मिक्सर ले लेंगे। राइस इडली का जो मिक्सर है एक भाग ले लिया है। अब इसी बर्तन से नाप कर आधा भाग हम यहाँ पर दही का भी ले लेंगे और इसको भी इस मिक्सर में ऐड कर देंगे। जितना हमने राइस इडली का मिक्सर लिया है उसी बर्तन से नाप के बराबर का पानी भी ले लेना है। तो इसको भी यहाँ पर अच्छे से ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इडली का बैटर बनकर तैयार है। अब इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो चुका है, इसे हम दोबारा चलाएंगे। ये देखिए, इडली का जो बैटर है काफी अच्छे से फूल चुका है। इडली का ये बैटर ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो इस तरह से इडली का बैटर बनाकर तैयार कर ले। अब इसे हम इडली स्टैंड में फिल कर देंगे। इडली के स्टैंड में पहले से घी या तेल लगाकर आप इस तरह से तैयार कर ले। यहाँ पर मैंने इडली की जो प्लेट है पहले से ही रेडी कर दी है। अब यहाँ पर 2-2 टेबल स्पून इडली का इसमें बैटर हम फिल कर देंगे। इस तरह से बैटर हमें अच्छे से इसमें फिल कर देना है। इडली का बैटर को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना भरे, थोड़ी सी जगह खाली रखें क्योंकि इडली पकने के बाद फूलती है। अब इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा हिला देंगे जिससे बैटर अच्छे से चारों तरफ फैल जाए। दूसरी तरफ इडली मेकर में 1.5 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पानी इस तरह से गर्म हो जाए तब आप इसमें इडली का स्टैंड रख दें। आप इस पैकेट से बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इडली बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक साथ 3 स्टैंड की इडली बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ पर इडली मेकर को ढक्कन लगाकर कवर कर देंगे, गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट इडली को भाप में पकाएंगे। 12 मिनट हो चुके, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा फूली फूली इडली बनकर तैयार है। अब यहाँ पर इडली के स्टैंड को हम एक तरफ ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब इडली थोड़ी ठंडी हो जाए तब इस तरह से आप किसी चाकू या चम्मच की मदद से इसे निकाल ले। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये इडली निकल आई है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट इडली बनकर तैयार है। ये देखिए, आप चारों तरफ से देख सकते हैं। इडली को एक सर्विंग प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से मैं आपको दूसरी इडली भी स्टैंड से निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इडली स्टैंड से बहुत ही आसानी से ये निकल आ रही है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और एकदम फूली फूली ये इडली बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सांभर या पीनट कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही ज्यादा आपको ये टेस्टी लगने वाली है। तो आप भी इस इडली की रेसिपी को बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।